दोस्तों शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कोर्स की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस की, इसकी इंपॉर्टेंस की और यूपीएससी के लिए इसके एक इंपॉर्टेंट अप्रोच की। आप लोग जब भी यूपीएससी का सिलेबस देखते हो तो आपको यूपीएससी के सिलेबस में प्रीलिम्स में ये दिखाई देता है। दोस्तों ये जो आप लोगों को दिखाई देता है ना, ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स के नाम दिखाता है। आपको करंट अफेयर दिखता है, आपको पॉलिटी दिखता है, आपको हिस्ट्री दिखता है, आपको ज्योग्राफी दिखता है। ज्योग्राफी से याद आया, भाई मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ और लर्नर्स कहते हैं कि बड़ा ही गजब पढ़ाती हूँ। सो अनअकैडमी प्लस पे आप आइए और मुझसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी भी जरूर पढ़िए। दोस्तों यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है ना, ये है पर्यावरण पारिस्थितिकी। इसी सब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इकोलॉजी ही पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोगों से जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों से यूपीएससी में क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के साथ दोस्तों आपसे और भी जो कुछ सामान्य मुद्दे हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रीलिम्स के इस हिस्से को इस विषय के अंतर्गत पूरा करते हैं। और जब बात आती है मेंस की, तो दोस्तों मेंस में भी जो आपका जीएस पेपर नंबर 3 होता है, उस जीएस पेपर नंबर 3 में आपको मालूम है कि क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जैव विविधता और पर्यावरण साफ साफ उन्होंने लिख करके दिया है। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 में आपसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के एक ट्रेंड एनालिसिस की, तो आप लोगों से 2016 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 21 प्रश्न पूछे गए थे, 2017 में 14 प्रश्न, 2018 में 13 प्रश्न, 19 में 21 प्रश्न, 20 में 20 प्रश्न, 21 में 15 प्रश्न और 2022 में 17 प्रश्न। एज एन एवरेज आप मान के चल सकते हो कि भाई 15 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आते हैं। तो किसी दिन ना बैठ करके हिसाब लगाना। हिस्ट्री जो कि एक बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, मिडीवियल हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, उसके साथ जोड़ लो आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ता है, तब जाके मुश्किल से 10 से 15 प्रश्न सॉल्व होते हैं। ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ मैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, ह्यूमन इकोनॉमिकल पढ़ाती हूँ, तब जाके 10 से 15 नंबर के लायक आप बनते हो। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस मुश्किल से 60 घंटों में पूरा किया जा सकता है, 60 आवर्स में, और ये आपको करीब करीब 15 का सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना होता है, वही बेसिक्स जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपका एक पिलर होता है जहां पे आपको फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने होते हैं, आपको पारितंत्र के कार्य पढ़ने होते हैं, उसके बाद आपको बायोम्स के बारे में जानना पड़ता है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पॉल्यूशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं, देन रिन्यूएबल एनर्जी और फिर कन्वेंशंस वगैरह। और जब आप लोग मेरा कोर्स करते हो तो आपको बेसिक्स के साथ करंट अफेयर्स, मतलब मैं जब भी कोर्स पढ़ाती हूँ, हर जैसे 3 महीने में इन्वायरमेंट का कोर्स रिपीट करती हूँ, हर 1.5 महीने में मैं ज्योग्राफी के जो नए नए बैचेस हैं वो रिपीट करती हूँ अकेडमी प्लस पे। सो गाइस यहाँ पर आप लोग जब भी जुड़ते हो ना, तो लास्ट 2 से 2.5 साल का करंट अफेयर आपको मेरे कोर्सेज में फुल पैकेज में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं शब्द को जानने से, जिसका मतलब है पर्यावरण, जिसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। हम लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सवाल उठता है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वो सब कुछ जो किसी भी जीव को उसके जीवन काल में चारों ओर से घेर के रखता है, वो उसका पर्यावरण है, वो उसका इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में ये रिमोट भी आ रहा है, ये ग्लोब भी आ रहा है, मेरे इस इन्वायरमेंट में अभी ये लैपटॉप भी आ रहा है, ये पेन भी आ रहा है। सो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा पर्यावरण है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग
इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरमेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या देखते हो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि एनवायरमेंट क्या है, जो सब कुछ हमारे आसपास है वो एनवायरमेंट है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है क्या वही हमारा इकोसिस्टम है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों एनवायरमेंट और इकोसिस्टम, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट। मतलब दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों से अभी अभी कहा कि मेरे आसपास ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये माइक है, ये सब कुछ मेरा एनवायरमेंट है। लेकिन ये एनवायरमेंट इकोसिस्टम के रूप में तब काम करेगा जब मैं इन सब के साथ एक इंटरैक्शन शुरू करूंगी। इंटरैक्शन इन व्हाट सेंस? मतलब कि ये मेरा पेन है, मैं इस पेन से लिख रही हूं। अगर मैं इस पेन से लिख रही हूं तो उस समय हम क्या देखेंगे? उस समय मैं कहूंगी कि हाँ भाई, अब ये इकोसिस्टम में परिवर्तित हो चुका है। मतलब कहना क्या चाह रही हूं दोस्तों, पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसी भी जीव मंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब कि हमारे आसपास जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, मछली है, पक्षी है, सूक्ष्म जीव है, ये सब कुछ हमारा पर्यावरण है, ये सब कुछ हमारा पर्यावरण है। लेकिन जब जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ अनोन्य क्रिया करते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तब वो कहलाता है इकोसिस्टम। मतलब कि हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, जब हम इसके साथ एक अनोन्य क्रिया करते हैं, जब हम इसके साथ एक इंटरैक्शन करते हैं, तब ये कहलाता है इकोसिस्टम, तब ये कहलाता है पारिस्थितिकीय तंत्र, तब ये कहलाता है पारितंत्र। तो आई होप कि आप लोगों को इन दोनों शब्दों में अंतर समझ में आया होगा कि भाई पर्यावरण अलग है और पारिस्थितिकीय तंत्र अलग है, इन्वायरमेंट अलग चीज है और इकोसिस्टम अलग चीज है। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा शब्द है पारिस्थितिकी। अभी हमने पारिस्थितिकीय तंत्र की बात की, पर्यावरण की बात की, नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होता है। हमने एनवायरमेंट की बात की, हम लोगों ने इकोसिस्टम की बात की, अब हमें बात करनी है इकोलॉजी की। अब हम लोगों को किसकी बात करनी है? अब हम लोगों को बात करनी है इकोलॉजी की। दोस्तों हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है वो हमारा पर्यावरण है। जब कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ अनोन्य क्रिया करता है, इंटरैक्शन करता है, परस्पर संबंध बनाता है, तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। और जब इसी इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। किसी भी इकोसिस्टम की स्टडी करना, क्या कहलाता है? किसी भी इकोसिस्टम की स्टडी करना कहलाता है इकोलॉजी। किसी भी इकोसिस्टम का अध्ययन करना कहलाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी को जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पारिस्थितिकी को जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीवों का एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकीय तंत्र। और इसी पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन क्या कहला रहा है? पारिस्थितिकीय कहलाता है, इकोलॉजी कहला रहा है। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक तीन शब्द समझ लिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, और आप लोगों ने यह भी जान लिया कि इकोलॉजी क्या होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी की हिस्ट्री की, अगर हम लोग बात करते हैं
पारिस्थितिकीय तंत्र की, पारिस्थितिकी के अध्ययन की, इतिहास की, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट 2013 से सिलेबस में शामिल हुआ। नहीं भाई, बात कुछ ऐसी है कि पर्यावरण जब से दूषित होने लगा, तब से अभी का जो मानव है, वर्तमान का जो मानव है, वो इस पर ध्यान देने लगा। यूपीएससी ने 2013 से इससे पूछे जाने वाले सवालों की मात्रा, संख्या बढ़ा दी। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में ये जो विषय है इकोलॉजी, हमारे भारतीय इतिहास में ये जो विषय है पारिस्थितिकी, इसका इतिहास बेहद पुराना है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में पारिस्थितिकी का उल्लेख है, इकोलॉजी का उल्लेख है। हमारे वेदों में, हमारे संहिताओं में, हमारे उपनिषदों में पारिस्थितिकीय अवधारणाओं का उल्लेख है। हमारे देश में चरक संहिता लिखी गई। अब दोस्तों क्या होता है, हम लोग इकोसिस्टम को पढ़ते हैं, जब हम लोग इकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो जरूरत होती है कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें। हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र के कुछ स्तर होते हैं, कुछ लेवल होते हैं। तो दोस्तों, अब ये लेवल क्या होते हैं? दोस्तों, इन लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पारिस्थितिकीय में शुरुआत होती है एक जीव से, एक सिंगल एंटिटी से। किससे शुरुआत होती है दोस्तों? एक इंडिविजुअल से। फॉर एग्जांपल, मैं काम करती हूँ, साइड में इसका एग्जांपल बना देती हूँ। हाँ जी, फॉर एग्जांपल, जैसे एक मछली है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र की शुरुआत एक जीव से होती है, जैसे एक मछली। आप प्लीज ऐसा मत बोलना कि बड़ा मछली की शक्ल मछली जैसी नहीं लग रही, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं, वो टीचर्स डे पे जो तुम लोग मेरी पेंटिंग बनाते हो, उसकी शक्ल भी कहाँ मेरे जैसी लगती है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि मछली की शक्ल मछली जैसी लगे। सो दोस्तों, पारिस्थितिकीय तंत्र में जब स्तर की हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है एक जीव से, एक सिंगल जीव से, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से। अब दोस्तों, वो जो जीव है वो क्या करता है दोस्तों? एक जैसे जीवों का समूह क्या कहलाता है? एक जैसे जीवों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ कमेंट में, बताओ कमेंट में, जनसंख्या। एक जैसे जीवों का समूह कहलाता है जनसंख्या। तो एक जीव से बनी जनसंख्या। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जो जीवों का समूह है ना, जिससे जनसंख्या बनती है, उसमें एक ही प्रकार के जीव होने चाहिए, एक ही प्रकार के जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जीवों का जो समूह है ना, उसे दोस्तों जनसंख्या कहते हैं। जैसे अगर 100 मछली की बात कर रहे हैं, तो 100 मछली होनी चाहिए। अगर उन 100 मछली के साथ आप 20 बिल्लियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 मछली और 20 बिल्ली 120 की जनसंख्या हो गई। नहीं भाई, मछली तो मछली मछली, बिल्ली तो बिल्ली बिल्ली, काऊ तो काऊ ही काऊ, और इंसान तो इंसान ही इंसान। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में सबसे पहला लेवल होता है एक सिंगल जीव का, एक सिंगल एंटिटी का। दोस्तों, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं एक ही जैसे जीवों का समूह, जो कहलाता है जनसंख्या। और दोस्तों, जब एक जैसी बहुत सारी जनसंख्या मिल जाती है, अगर आपको क्वालिटी ठीक से नहीं दिख रही ना, तो आपकी जो क्वालिटी है उसको कम से कम 360 या 480 पीपे करो, एटलीस्ट 480 पीपे कर लो। तो जब आप देखते हो कि अलग अलग प्रकार की जनसंख्या मिल रही है, अलग अलग प्रकार की जनसंख्या मिल रही है, मतलब जैसे यहाँ पे मछली है, मछली के साथ कुछ शेर हैं। अब यार मुझसे ये मत बोलना कि मैडम शेर बना के बताओ, ठीक है? मान लो यहाँ पे कुछ काऊ हैं। तो जब अलग अलग तरीके की जनसंख्याएं मिल जाती हैं, तो उनका समूह क्या कहलाता है? दोस्तों, उनका समूह कहलाता है समुदाय, उनका समूह कहलाता है समुदाय। और जब अलग अलग तरीके के समुदाय अपने पर्यावरण के साथ मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के समुदाय अपने पर्यावरण के साथ मिल जाते हैं, तो अपने पर्यावरण के साथ अनोन्य क्रिया करके वो क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और अलग अलग इकोसिस्टम मिलाकर के क्या बनते हैं?
बायोम्स बनते हैं, जीवोम बनाते हैं, और अलग अलग तरीके के जीवोम मिलकर के क्या बनाते हैं, अलग अलग तरीके के जीवोम मिलाकर बनते हैं जैव मंडल। प्रीलिम्स में सवाल आया है यहां से बायोस्फेयर, तो ये क्या है दोस्तों, ये किसी भी पारितंत्र का, ये किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र के स्तर हैं। एक जीव से शुरू हुए, उस जीवों के समूह पे गए, जनसंख्या आई, अलग अलग जनसंख्या मिलके समुदाय बनी। जब इस समुदाय ने क्या किया दोस्तों, जब इस समुदाय ने अपने पर्यावरण के साथ अनोन्य क्रिया की, इंटरैक्शन किया, तो पारितंत्र बना, और पारितंत्र अलग अलग टाइप्स के मिले, बायोम बने, अलग अलग टाइप के बायोम से मिला के क्या बना, जैव मंडल। चलिए अब दोस्तों मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहती हूँ, कुछ शब्दावलियां बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसी शब्दावलियां होती हैं जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में यूज की जाती हैं, पर आपको वो समझ में नहीं आती है कि इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए उनका मतलब समझते हैं। जैसे दोस्तों एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं निश, इसे हिंदी में निचे निचे या फिर आला कहते हैं। दोस्तों निश, जिसे हिंदी में निचे या फिर आला कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में किसी भी प्रजाति की एक अनूठी कार्यात्मक भूमिका होती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या हुआ है दोस्तों। इसे समझने के लिए हम पहले एक और चीज समझेंगे, और वो होता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी ऐसा स्थान जो किसी जीव के लिए अनुकूल होता है, जहां वह प्रजनन करने के लिए, भोजन करने के लिए, आश्रय लेने के लिए अपने आप को अनुकूलित समझता है, उस जगह को उसका हैबिटेट कहते हैं। मतलब कि जहां पे वो एग्जैक्टली रह रहा है, जो उसके रहने के लिए एक अनुकूलित जलवायु होती है, जो अनुकूलित जगह होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट। क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में एक जीव का जो निवास स्थान होता है, कोई भी जीव जहां पर अपने अनुकूलित वातावरण में रह सकता है, वो उसका हैबिटेट है, उसे उसका आवास कहते हैं। तो दोस्तों वो उसका घर हो गया, वो क्या हो गया, वो उसका घर हो गया, वो उसका हैबिटेट हो गया। लेकिन दोस्तों आपके घर में आपकी कोई भूमिका भी होती है ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई भूमिका भी होती है ना। जैसे आपकी जो मम्मी है, उनका घर वो है जहां पे वो रह रही है, पर उनकी भूमिका है, उनकी भूमिका है कि भाई वो घर संभाल रही है, खाना बना रही है। आपके पापा की कुछ भूमिका होगी, आपकी कुछ भूमिका होगी। तो दोस्तों वो जो आपकी भूमिका है ना, दैट इज योर निश, आपकी कार्यात्मक भूमिका। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आप जहां पर रहते हो वो आपका आवास है, लेकिन वहां पर रह के आप क्या कार्य करते हो वो आपका निश है। वहां पर रहकर आप क्या कार्य करते हो वो आपका निश है, ठीक है। आप जहां पर रहते हो वो आपका आवास है, वो आपका हैबिटेट है, लेकिन वहां पर रहकर आप क्या कार्य करते हो वो आपका निश है। तो इस किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में हर जीव जंतु का एक हैबिटेट होता है, एक आवास होता है, और उसी पारिस्थितिकीय तंत्र में उसकी एक कार्यात्मक भूमिका होती है, जिसे उसका निश कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक और शब्द है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। अभी तक हमने क्या क्या समझा, क्या आप लोगों के क्लियर हुआ, अभी तक हमने क्या क्या समझा भाई। अभी तक हम लोगों ने पहले तो थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस, सिलेबस वगैरह पे बात की, उसके बाद मैंने आपको तीन शब्दों में अंतर समझाया। कौन कौन से तीन शब्द, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सॉरी इको, पहले इकोसिस्टम
और फिर इकोलॉजी, पर्यावरण, पारितंत्र और पारिस्थितिकी, फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोसिस्टम पढ़े, फिर हम लोगों ने इसके लेवल्स देखे, फिर लेवल देखने के बाद मैंने आपको एक शब्द का मतलब बताया कि भाई निश का मतलब क्या होता है, आपने हैबिटेट का मतलब देखा। इतनी चीजें क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ये अगला शब्द सिखाने जा रही हूं जिसे कहते हैं इकोटोन। हिंदी में ऐसे शब्द, इस शब्द को कहते हैं संक्रमिका। क्या कहते हैं इसको हिंदी में दोस्तों? हिंदी में इसे कहते हैं संक्रमिका। अब सवाल उठता है कि इकोटोन या फिर संक्रमिका क्या होती है दोस्तों? इकोटोन इज समथिंग लाइक ट्रांजिशन जोन। इकोटोन वो होता है जहां पर दो अलग अलग तरीके के पारिस्थितिकीय तंत्र मिलते हैं, जहां पर दो अलग अलग तरीके के पारिस्थितिकीय तंत्र मिलते हैं। चलो इसका ना एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है और तुम लोगों को तो पता है जब तक वो वाला एग्जांपल मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगी मेरा खाना नहीं पचेगा, तो चलो शेयर कर ही लेती हूँ। मान लो एक खाने की थाली है, वो खंड वंड वाली नहीं, प्लेन प्लेट है, प्लेन थाली है। उसमें एक साइड रखी हुई है दाल और एक साइड रखे हुए हैं चावल, और तुमसे बोला कि ये जा करके बाहर जो मेहमान आए उन्हें दे आओ खाने के लिए, और तुम्हें आ रहा है गुस्सा, एक तो मेरी क्लास का टाइम है, ऊपर से मैं इन्हें खाना देकर क्या हूं। तो इनके बीच में एक जगह होती है जहां दाल चावल मिक्स हो जाता है ना, बीच में एक जगह ऐसी होती है ना जहां दाल चावल मिक्स हो जाता है, मतलब ड्राई चावल जो सूखा चावल है और जो द्रवित दाल है वो दोनों बीच में जो मिल जाते हैं ना, वो जो जगह है दैट इज इकोटोन। मतलब जानबूझ के नहीं मिले, धोखे से मिल गए, दैट इज इकोटोन। आई नो कि अब आप कह रहे होंगे कि मैडम कहना क्या चाह रही हूं, मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूं दोस्तों, इकोटोन दो पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का जंक्शन क्षेत्र है जहां पर दो पारिस्थितिकीय तंत्र आपस में मिलते हैं, उसको इकोटोन बोलते हैं। जहां पर दो पारिस्थितिकीय तंत्र आपस में मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। जैसे जैसे कि दोस्तों यहां देखो, ये आपको दिख रहा है लैंड एरिया, यहां पे आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जमीन है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये पानी वाला क्षेत्र है। एक साइड जैसे जमीन वाला इकोसिस्टम है, एक साइड जमीन का पारिस्थितिकीय तंत्र है, दूसरी साइड पानी वाला पारिस्थितिकीय तंत्र है। तो दोस्तों जहां पर जमीन और पानी दोनों का पारिस्थितिकीय तंत्र मिल रहा है, जैसे पानी का पारिस्थितिकीय तंत्र मतलब समुद्र, जहां जमीन और समुद्र दोनों मिल रही है, जहां पर जमीन का पारिस्थितिकीय तंत्र और समुद्र का पारिस्थितिकीय तंत्र दोनों मिल रहे हैं, इसको इकोटोन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जमीन और समुद्र का ही एग्जांपल हो, कोई भी दो पारिस्थितिकीय तंत्र जहां मिलते हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन दो या दो से अधिक विविधताओं के पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का जंक्शन क्षेत्र होता है। मैंग्रोव कहां उगते हैं? जहां पर जमीन खत्म होती है और समुद्र शुरू होता है, जो बीच वाला क्षेत्र होता है ना मैंग्रोव वही उगते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं ना ये हमेशा इकोटोन के क्षेत्र में उगते हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं ना वो इकोटोन के क्षेत्र में होते हैं। तो आप लोग क्या देखते हो? आप लोग ये देखते हो कि जो बीच वाला क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, जहां पर एक लैंड इकोसिस्टम खत्म होता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम शुरू होता है, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसे संक्रमिका क्षेत्र या फिर इकोटोन कहते हैं। दोस्तों जहां हमें इकोटोन दिखाई देता है वहां याद रखिएगा हमेशा वहां पर प्रजातियों की संख्या ज्यादा होगी, वहां पर जैव विविधता उच्च मात्रा में मिलेगी। और दोस्तों जहां पर इकोटोन होता है ना,
जहां पर आपको संक्रमिका क्षेत्र दिखता है ना, वहां पे आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी, एज इफेक्ट, जिसे कोर प्रभाव कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं भाई? जिसे हिंदी में कोर प्रभाव कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को जहां पर इको टोन दिखाई देगा, वहां पर आपको एक प्रभाव दिखाई देगा, और उस प्रभाव का नाम क्या होगा? उस प्रभाव का नाम होगा कोर प्रभाव। इसमें क्या होता है तो सुनो दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि जहां दो पारिस्थितिकीय तंत्र मिल रहे हैं वो क्षेत्र इकोटोन है, लेकिन जहां पे वहां पर जो प्रभाव दिख रहा है, जो इफेक्ट दिख रहा है, उसको एज इफेक्ट कहते हैं। एज इफेक्ट, किनारा प्रभाव, कोर प्रभाव क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां पर जमीन और पानी मिल रहा है वहां पर जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा होगी, वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। सो आप क्या बोलोगे? ये इकोटोन का क्षेत्र है और यहाँ पे हमें एज इफेक्ट दिख रहा है। ये इकोटोन का क्षेत्र है और यहाँ पे हमें एज इफेक्ट दिख रहा है। एज इफेक्ट या कोर प्रभाव दो महत्वपूर्ण रूप से भिन्न प्राकृतिक आवासों के बीच अचानक संक्रमण का परिणाम है, जो एक ही पारिस्थितिकीय तंत्र में एक दूसरे से सटे हुए हों। संक्षेप में, आसन्न आवासों के बीच निरंतरता में एक विराम, जैसे एक इकोसिस्टम है उसके बाद दूसरा इकोसिस्टम है, उनके बीच में, जैसे आप देखो कि भाई जहां पर रेगिस्तान खत्म हो रहा है, रेगिस्तान के बिल्कुल बाजू से हरा भरा जंगल शुरू नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत घना जंगल है, आपका एक पांव घने जंगल में रखा, दूसरा पांव अपने रेगिस्तान में रख दिया। नहीं भाई, घना जंगल खत्म होगा तो धीरे धीरे पौधों की संख्या कम होगी, फिर धीरे धीरे घास स्थल आएगा बीच में, फिर मरुस्थल आएगा, है ना? तो बीच में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं इकोटोन, और जो प्रभाव दिखाई देता है उसे कहते हैं एज इफेक्ट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कोर प्रभाव। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ शब्द समझाए। अभी आप लोगों ने मेरे साथ कुछ शब्द समझे, आपने एक और शब्द समझ लिया है इकोटोन। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र के कार्यों की, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की। हमारे पास अभी करीब 40 मिनट्स हैं। वी विल ट्राई जितना हम लोग इकोसिस्टम के फंक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे 3 फंक्शंस कंप्लीट करने की, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। पारिस्थितिकीय तंत्र के कार्य, कार्य मतलब एक पारिस्थितिकीय तंत्र में कौन कौन से कार्य होते हैं दोस्तों? किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में 3 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला होता है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। दूसरा होता है जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। और तीसरा होता है पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार, जिसे हम पारिस्थितिकीय अनुक्रमण भी कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों कार्यों को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्य है ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का एक फ्लो चलता रहता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। अब दोस्तों ये जो एनर्जी है ये कैसे ट्रांसफर होती है? इसमें हम लोग कुछ पोषण स्तर देखते हैं, कुछ ट्रॉफिक लेवल देखते हैं। ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, मतलब कि मतलब दोस्तों किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में पोषण की आवश्यकताओं के आधार पर जीव जंतु एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये हमें देखना है। क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव जंतुओं को जो पोषण मिलता है वो कैसे मिलता है? वो भोजन से मिलता है, वो खाने से मिलता है। दोस्तों किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में अगर आप लोग पोषण की बात करते हो ना, तो ये पोषण शुरू किससे होता है? एक सेकेंड ना, ये रहा, जो पोषण है वो शुरू होता है ऑटोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। किससे शुरू होता है? ऑटोट्रॉप से, स्वपोषी से।
दोस्तों स्वपोषी में कौन आते हैं? स्वपोषी में आते हैं हरे पेड़ पौधे, स्वपोषी, स्वपोषी ऑटोट्रॉप। अब सवाल उठता है इसमें केवल हरे पौधे क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों उन्हीं में वह क्षमता है, केवल हरे पौधों में ही वो क्षमता है कि वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना खुद बना सकते हैं और किसी भी जीव में ऐसी क्षमता नहीं है। बाकी सब फिर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं इसीलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं हम, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। एक पारितंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पौधे होते हैं, इन्हें हम स्वपोषी ऑटोट्रॉप कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं दोस्तों हेटरोट्रॉप। अब जो भी आएंगे ना उन सभी को हम हेटरोट्रॉप बोलेंगे। हेटरोट्रॉप को हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। विषमपोषी मतलब, विषमपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। जैसे कि दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस शाकाहारी जीव, जैसे गाय, बकरी, मेरे जैसे लोग जो क्या है भाई, जो शाकाहारी है। दूसरे पोषण स्तर में, द्वितीय पोषण स्तर में जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्रथम उपभोक्ता। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें कहते हैं दोस्तों प्रथम उपभोक्ता। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये प्रथम उपभोक्ता हरे पौधों को खाकर, हरे पौधों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी। तीसरे पोषण स्तर में शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोमड़ी, फॉर एग्जाम्पल लोमड़ी, फॉर एग्जाम्पल मेंढक, ये शाकाहारी जीवों को खा रहे हैं। मेंढक तितली को खा रहा है, लोमड़ी हिरण को खा रही है, वो मांसाहारी है। उनके ऊपर जो होते हैं दोस्तों उनको फिर कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर, और ऊपर वाले को कहते हैं टॉप कार्निवोरस, शीर्ष मांसाहारी। मतलब सबसे पहले होते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, उनको खाने वाले प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी, उनको खाने वाले मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता, उनको खाने वाले फिर से मांसाहारी, और उनको भी खाने वाले शीर्ष मांसाहारी। तो जैविक समुदाय ऊर्जा की प्राप्ति इसी क्रम में करते हैं और पारितंत्र में आधार से शीर्ष तक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। तो ऊर्जा का प्रवाह ही क्या है दोस्तों? यही इकोसिस्टम का पहला कार्य। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ है भाई भाई, अभी पहली हेडिंग शुरू भी नहीं हुई। पारिस्थितिकीय तंत्र का पहला कार्य क्या था? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र में एनर्जी किस तरीके से घूमती है, किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है। तो दोस्तों ये जो पोषण स्तर है, ये जो पोषण स्तर है, इसमें आप लोग क्या देखते हैं? इसमें आप लोग देखते हैं कि सबसे नीचे उत्पादक है, प्रोड्यूसर है हरे पौधे, उनके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता है, उनके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता है, और सबसे ऊपर शीर्ष उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी आते हैं। अब दोस्तों ऊर्जा के प्रवाह को हम तीन तरीकों से समझते हैं। ऊर्जा का जो प्रवाह पारिस्थितिकीय तंत्र में होता है उसका अध्ययन हम तीन तरीकों से करते हैं। पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है खाद्य जाल, और तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड। पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है खाद्य जाल, और तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड।
पहले में क्या होता है दोस्तों? पहला है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन क्या होती है दोस्तों? किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में जो जीव जंतु हैं उनके बीच जो खाने का क्रम चलता है, जो खाने का जैक स्पैरो, मैं अभी आपका आपका आंसर देती हूँ। आपको क्या देखना है, किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या चलता है? किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में भोजन का जो क्रम चलता है उसे हम खाद्य श्रृंखला के द्वारा दर्शाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि स्पैरो साहब ने कही है कि हमेशा जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा एक दिशीय होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं खाद्य श्रृंखला दिखाऊंगी कि भाई मैं शाकाहारी जीव हूं, मैंने पालक खाई, मुझे लोमड़ी ने खा लिया और लोमड़ी को शेर ने खा लिया। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि चीज उल्टी हो जाए? उल्टी मतलब कि जो पालक है वो मुझे खा जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, मैं पालक है, पालक को अपूर्वा ने खाया, अपूर्वा को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को शेर ने खाया। भाई मैं पालक को खा सकती हूँ पर पालक मुझे नहीं खा सकती। सो हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है वो एक दिशीय ही होता है, वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि पौधों और जानवरों और जानवरों और जानवरों के बीच अंतर संबंध ऊर्जा उत्पादन और खपत के क्षेत्र में खाने और खाए जाने का एक निश्चित पैटर्न ही खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये जो फूड चेन है, ये दो टाइप्स की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियाटिस फूड चेन, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला कैसे, समझो दोस्तों। पहले हम लोग बात करते हैं चराई खाद्य श्रृंखला की। कोई भी वो खाद्य श्रृंखला जो एक हरे पौधे से शुरू होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जरूरी है क्या कि हरा पौधे ही हो? नहीं, हरे पौधे के अलावा दोस्तों मान लो कि कोई जीव, मतलब कोई अच्छा, मैं आपको जब एग्जांपल दूंगी तो आपको और समझ में आएगा। ऐसी कोई भी खाद्य श्रृंखला जो किससे शुरू हो रही है, जो किसी पौधे से शुरू हो रही है, वो क्या कहलाती है? वो ग्रेजिंग फूड चेन कहलाती है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, आप एक पत्ता को भी देख रहे हो, यहाँ पे एक कैबेज देख रहे हो, कैबेज को खाया इल्ली ने, कैटरपिलर ने, और उस कैटरपिलर को एक पक्षी ने खा लिया, एक बर्ड ने खा लिया। तो दोस्तों ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ये हरे पौधे से शुरू हुई है, ये हरे पौधे से शुरू हुई है, इसलिए आप देखोगे कि ये ग्रेजिंग फूड चेन है। जब आपको मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ाऊंगी तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा, फाइटोप्लैंकटन से कहानी शुरू होगी। फाइटोप्लैंकटन भी क्या है? वो भी तो एक प्रकार के पादप ही है, वो भी तो एक प्रकार के पादप प्लवक है, तो उसको भी हम ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। ऐसी फूड चेन, ऐसी खाद्य श्रृंखला जो ग्रीन पौधों से शुरू हो रही है, भले वो जमीन पे लगे हुए पौधे या फिर हो सकता है कि वो क्या है, हो सकता है कि वो फाइटोप्लैंकटन है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। दोस्तों फूड चेन का दूसरा प्रकार होता है अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्रियाटिस फूड चेन। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये एक मृत ऑर्गेनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीवों तक और फिर डेट्रियाटिस फीडिंग जीवों की श्रृंखला है। ऐसी कोई भी खाद्य श्रृंखला जो किसी मृत जीव से शुरू हो, ऐसी कोई भी खाद्य श्रृंखला जो किसी मृत जीव से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई गाय मरी हुई है, उसको नोच नोच के कौवे खा रहे हैं और उन कौओं को बाद में चील खा रही है, तो ये जो एक फूड चेन हुई ना, ये डेट्रियाटिस फूड चेन हुई, ये अपरद खाद्य श्रृंखला हुई, क्योंकि ये मरे हुए जीवों से शुरू हुई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों खाद्य श्रृंखला के बाद हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं जो कि है खाद्य जाल, जो कि है फूड वेब। क्या होता है
हम लोग भले ही खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग भले ही फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जो फूड चेन है वो रियल लाइफ में वैसे ही काम करती हो। वैसे ही काम करती हो मतलब मैंने आपसे कहा कि एक पत्ती है, पत्ती को चूहे ने खाया, हो सकता है कि उस पत्ती को तितली खा ले, उस पत्ती को कोई गिलहरी खा ले। मैंने आपसे कहा कि उस गिलहरी को लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को शेर खाएगा, क्या पता डायरेक्ट जो शेर है वो गिलहरी का ही मांस खा ले। मैंने आपसे कहा कि जो हिरण है उसको लोमड़ी खाएगी, लोमड़ी को शेर खाएगा, क्या पता सीधे हिरण को, सीधे डियर को शेर ही खा ले। सो दोस्तों क्या होता है, कुछ निश्चित नहीं होता। मतलब ये चीज निश्चित है कि शेर मांसाहारी है, बट ये तो निश्चित नहीं है ना कि वो लोमड़ी को ही खाएगा। हो सकता है कि वो किसी पक्षी को खा ले, किसी चूहे को खा ले, किसी को भी खा ले। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में फूड वेब काम करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में खाद्य जाल काम करता है। पारितंत्र में होने वाले खाद्य और ऊर्जा प्रवाह का एक ही पहलू हम खाद्य श्रृंखला से देखते हैं। खाद्य जाल की परिभाषा क्या होगी? पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक श्रृंखलाएं हो सकती हैं, और जब अनेकों तरीके की खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनेकों तरीके की खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो वो निर्माण करती हैं एक खाद्य जाल का, एक फूड वेब का। ठीक है, अब जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दो। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ए बी सी या डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऊर्जा प्रवाह को हम पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के पहले प्रकार ऊर्जा प्रवाह को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने खाद्य जाल के बारे में देखा, इसमें हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला के बारे में देखा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है दोस्तों पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी खाद्य श्रृंखला को जब हम एक चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जब हम किसी भी फूड चेन को एक डायग्रामेटिक रूप में पेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, उसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड। जैसे जैसे कि दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पे तीन तरीके के पिरामिड्स बने हुए हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये जो पिरामिड है ये भी तीन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कैसे? देखो, पिरामिड में विशिष्ट ट्रॉफिक स्तरों, ट्रॉफिक स्तर मतलब पोषण स्तरों को दर्शाने वाली कई क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जो प्राथमिक उत्पादक स्तर से शाकाहारी मांसाहारी के माध्यम से क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है। और क्या होता है, कई बार उत्पादकों की संख्या ज्यादा होती है और उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाती है। अगर उत्पादकों की संख्या ज्यादा है और उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जा रही है तो इस तरीके की आकृति बनती है, नीचे से चौड़ी, आधार से एक ब्रॉड और ऊपर जाते हुए ये सक्रिय होती जाती है। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी आकृति को कहते हैं पिरामिड। ठीक है, चलो अब दोस्तों ये जो पिरामिड होते हैं ना ये भी तीन तरीकों से बनाए जाते हैं। पिरामिड्स भी तीन तरीकों से बनाए जाते हैं। एक होता है नंबर पिरामिड, संख्या पिरामिड, दूसरा होता है बायोमास पिरामिड और तीसरा होता है एनर्जी पिरामिड। पहले बात करते हैं संख्या पिरामिड की। दोस्तों उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध दर्शाने वाला पिरामिड संख्या पिरामिड कहलाता है। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? केवल संख्या की। ये संख्या पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम बात करते हैं किसी घास स्थल के पिरामिड की। अगर हम लोग बात करते हैं किसी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पिरामिड्स की, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पिरामिड्स की। तो दोस्तों ये जो पिरामिड है उसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इसमें पहला वाला पिरामिड है अपवार्ड पिरामिड, पहला वाला पिरामिड है सीधा पिरामिड। ये आपको कहां दिखाई देता है दोस्तों? ये आप लोगों को दिखाई देता है घास स्थल में। कैसे कैसे? सीधा पिरामिड मतलब
दोस्तों पहले तो आप ये समझ लो सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड। हाँ, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड, इनमें अंतर क्या है? दोस्तों अगर आधार से चौड़ा और ऊपर से सकरा है तो इसको कहते हैं सीधा पिरामिड। ये सीधा पिरामिड है। और उल्टा पिरामिड क्या होता है? दोस्तों ये उल्टा पिरामिड होता है। तो ये जो पिरामिड्स है ना, ये सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। ये जो पिरामिड्स है ना, ये सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। अगर हम संख्या पिरामिड की बात करते हैं तो संख्या पिरामिड भी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। संख्या पिरामिड में अगर बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में कमी आती जाती है तो यह पिरामिड सीधा बनता जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप घास के मैदान में भी देख सकते हैं और जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में भी देख सकते हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं घास के मैदान की। घास का मैदान नॉर्मल जमीन, एक नॉर्मल ग्रासलैंड। यहां पे मान लीजिए सबसे नीचे क्या आता है? सबसे नीचे घास आ रही है, पेड़ पौधों की पत्तियां आ रही हैं। तो आप मेनु एक बात बताओ, क्या बताओगे आप मेनु एक बात बताओ कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जो घास है, उसकी संख्या इस संसार में ज्यादा है या उस घास को खाने वालों की? किसकी संख्या ज्यादा है? ऑब्वियसली घास की। ऑब्वियसली पत्तियों की संख्या ज्यादा है। उसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं, उसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं, उनकी संख्या इन पत्तियों और घासों की अपेक्षा कम है। उनकी संख्या इन पत्तियों और घासों की अपेक्षा कम है। अब दोस्तों ये जो शाकाहारी जीव हैं, जिन्होंने इन पत्तियों को खाया, इनको खाने वाले जो मांसाहारी जीव हैं, उनकी संख्या और कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ गाय और लोमड़ी का एग्जांपल। तो इस दुनिया में गाय की संख्या ज्यादा है, लोमड़ी की कम है। अगर गाय की जगह हिरण ले लूं तो भी वही बात है। शाकाहारी जीवों की संख्या ज्यादा है और फिर उनको खाने वाले मांसाहारियों की कम है। और फिर जो टॉप कार्निवोरस है, उनको खाने वाले भी जो शीर्ष मांसाहारी हैं, उनकी संख्या तो और ही कम है। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया सीधा पिरामिड। क्यों बन गया ये सीधा पिरामिड? पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या पिरामिड, सीधा पिरामिड क्यों बन गया? क्योंकि यहां पर आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो वैसे वैसे खाने वाले जीवों की संख्या घट रही है। वैसे वैसे खाने वाले जीवों की संख्या घट रही है। दोस्तों क्या ये पिरामिड कभी उल्टा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी पोषण स्तर में उत्पादक की संख्या कम हो और उसको खाने वालों की संख्या ज्यादा हो तो ये उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ऐसा पिरामिड एक वृक्ष का पिरामिड होता है, एक ट्री का पिरामिड उल्टा हो सकता है। कैसे? इसका दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैंने एक बहुत ही अच्छा चित्र लिया था। I really don't know वो चित्र। अरे हाँ, ये तो रहा, मिल गया। मिल गया, जूम करके दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखो, जैसे आपको सबसे नीचे एक पेड़ दिख रहा है, ठीक है, एक पेड़ है। उत्पादक कौन है यहाँ पे? पेड़। पेड़ की संख्या एक। अभी मैं सिर्फ एक पेड़ के पारिस्थितिकीय तंत्र की बात कर रही हूँ। एक बात याद रखना, एक पानी की बूंद से ये पूरा संसार, सब कुछ एक पारिस्थितिकीय तंत्र है। एक मछली जो कांच के कटोरे में रह रही है, उसके लिए वो उसका पारिस्थितिकीय तंत्र है। इसके अलावा एक चिड़िया जो खुले गगन में घूम रही है, उसके लिए वो पूरा वो पारिस्थितिकीय तंत्र है। तो अभी हम लोगों ने जब बात की थी घास के मैदान की, तो वहां पे हमने क्या देखा था? गाइस वहां पे हम लोगों ने देखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोसिस्टम, कि पूरे इकोसिस्टम में घास की संख्या ज्यादा है, पत्तियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूँ सिर्फ एक पेड़ की, तो एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट मान लो लगभग 20 चिड़िया है, उसके ऊपर डिपेंड 20 चिड़िया है। चिड़िया समझते हो ना, बर्ड, कौवा, चिड़िया, चींची। एक पेड़ के ऊपर 20 चिड़िया डिपेंडेंट है। उन चिड़िया के ऊपर
मान लो हर चिड़िया के ऊपर 50-50 जुए हैं, पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स इनका एक एग्जांपल है जुए। उन सबके ऊपर एक एक परजीवी है, परजीवी का एक एग्जांपल होता है पैरासाइट्स। और उनके ऊपर हर जुए के ऊपर और भी क्या है, और छोटे छोटे जुए हैं। जैसे इतना बड़ा एक जुआ है, उसके ऊपर छोटे छोटे और जुए हैं, उनके ऊपर हाइपर पैरासाइट्स हैं। तो इसमें आप देखो, उत्पादक एक है, प्रोड्यूसर एक है, और उसके ऊपर निर्भर जो उपभोक्ता है वो ज्यादा है, उसके ऊपर निर्भर जो उपभोक्ता है वो ज्यादा है। तो इसका पिरामिड उल्टा बन गया, इसका पिरामिड उल्टा बन गया, मानते हो? है ना? तो आप देख सकते हैं कि वृक्ष का, अगर हम लोग एक वृक्ष का पारिस्थितिकीय, एक वृक्ष का पिरामिड बनाना चाहें, नंबर पिरामिड, तो वो उल्टा बन सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा? तो इसका जवाब है सीधा बनेगा, इसका जवाब है सीधा बनेगा। जैसे दोस्तों आप देखो, कोई भी जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र होता है ना दोस्तों, उसकी शुरुआत होती है प्लैंकटन से, प्लवक से। अब मैडम ये प्लवक क्या होते हैं? किसी भी जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जो उत्पादक है वो प्लवक होते हैं। यहाँ पे उत्पादक का काम प्लवक करते हैं। उत्पादक मतलब स्वपोषी, जो प्लवक होते हैं ना वो स्वपोषी हैं। ये प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और ये जो प्लवक हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये प्लवक दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, पादप प्लवक, पादप प्लवक और जंतु प्लवक। मतलब कि फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। प्लैंकटन भी दो प्रकार के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। जैसे कि दोस्तों मानो शुरुआत हुई है पादप प्लवक से, फाइटोप्लैंकटन से। मानो क्या ऐसे ही होती है, किसी भी जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है पादप प्लवक से। पादप प्लवकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पादप प्लवक बहुत सारे होते हैं। उनको कौन खाते हैं? उनको खाते हैं जंतु प्लवक। जो पादप प्लवक हैं, उन्हें खाते हैं जंतु प्लवक। पादप प्लवकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है किसी भी मरीन इकोसिस्टम में। उसके बाद दोस्तों जो जंतु प्लवक हैं, उनकी संख्या पादप प्लवक से थोड़ी सी कम है। जो जंतु प्लवक हैं, वो पादप प्लवक को खाते हैं। और फिर जंतु प्लवक को कौन खाता है दोस्तों? फिर जंतु प्लवक को खाती हैं छोटी मछलियां। जंतु प्लवक को कौन खाती हैं? जंतु प्लवक को खाती हैं छोटी मछलियां। छोटी मछलियों की संख्या और कम होती है। और फिर इनको खाती हैं बड़ी मछलियां, उनकी संख्या और कम होती है। जैसे कि आप लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल में देख रहे हैं फाइटोप्लैंकटन, पादप प्लवक की संख्या बहुत ज्यादा, उसको खाने वाले जंतु प्लवक, उनकी संख्या कम, उनको खाने वाली छोटी मछलियां, उनकी संख्या कम, और उनको खाने वाली बड़ी मछलियां, उनकी संख्या और भी कम। तो दोस्तों क्या होता है ना, किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें अगर आप उत्पादक से उपभोक्ताओं की संख्या की बात करते हैं, तो उपभोक्ताओं की संख्या कम होती जाती है। दैट इज वाई इसके जो पिरामिड है ये अपराइट बनता है, इसका जो पिरामिड है ये
सीधा बनता है। आया समझ में? चलो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के कार्य। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकीय तंत्र के कार्य। उसमें पहला कार्य क्या था? जल्दी, उसमें पहला कार्य क्या था? ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह हम तीन तरीकों से कर सकते हैं, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल। और ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन हम पिरामिड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो फूड चेन कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की, दो प्रकार की, ग्रेजिंग फूड चेन, चराई खाद्य श्रृंखला और आपरत खाद्य श्रृंखला, चराई खाद्य श्रृंखला और आपरत खाद्य श्रृंखला। उसके बाद हमने देखा फूड वेब, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, उसके बाद वी आर ऑन पिरामिड्स। अब पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा संख्या पिरामिड। दोस्तों एक घास के मैदान में संख्या पिरामिड कैसा बना था? सीधा। ये शक्ल मत देखो मेरी, नोट कर लो। हाँ और सुनो, पूरी 1000 पेज की इन्वायरमेंट की पीडीएफ मैंने एक बार यूपीएससी हिंदी में डाल दी है, दूसरी बार आज फिर से फॉरवर्ड कर दूंगी। आज जो मैं पढ़ाऊंगी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, वो भी सॉल्व करने, ठीक है? चलो तो दोस्तों अब पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने देखा संख्या पिरामिड। अब ये जो संख्या पिरामिड होता है ना गाइस, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये दो तरीके का होता है। संख्या पिरामिड दो तरीके का होता है, ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। घास के मैदान में हमें सीधा पिरामिड मिला और एक्वाटिक इकोसिस्टम में जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में भी हमें सीधा पिरामिड मिला। लेकिन जब हमने एक पेड़ की बात की, जिसे हम पैरासाइट्स का पिरामिड कहते हैं, पैरासाइट्स मतलब परजीवी, परजीवी मतलब वही जो तुम्हारे सर में है, सर खुजा के देखो, जो पैरासाइट्स का पिरामिड होता है ना वो कैसा होता है? वो दोस्तों उल्टा होता है। जैसे एक ट्री है, उसके ऊपर बर्ड्स हैं, उसके ऊपर पैरासाइट्स हैं, उनके ऊपर हाइपर पैरासाइट्स हैं। अब हम दूसरा पिरामिड देख रहे हैं जो कि है बायोमास पिरामिड। सवाल उठता है जब हमने संख्या पिरामिड बना लिया तो हम दूसरा पिरामिड क्यों बना रहे हैं? दोस्तों संख्या पिरामिड की ना कुछ लिमिटेशंस थी, इसकी कुछ बुराइयां थी, जिनकी वजह से हमने दूसरा पिरामिड बनाया बायोमास पिरामिड। दोस्तों किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में पोषण स्तर की संरचना का वास्तविक चित्रण करने के लिए संख्या पिरामिड उतना कारगर नहीं होता, क्योंकि किसी भी समुदाय के जीवों की संख्या को गिनना संभव नहीं है। और इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने बायोमास पिरामिड बनाया, इसीलिए हमने क्या बनाया, बायोमास पिरामिड बनाया। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं बायोमास पिरामिड की तो इसमें आप क्या देखते हो? दोस्तों बायोमास पिरामिड में आप लोग ये देखते हो कि पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों में जब हम जीवों के सकल भार के आधार पर पिरामिड बनाते हैं तो उसको बायोमास पिरामिड कहते हैं। मतलब पिछली बार हम उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर पिरामिड बना रहे थे, इस बार हम उनके भार के आधार पर पिरामिड बनाएंगे, हम उनके वेट के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। क्या लगता है तुम्हें, बब्बर शेर बहुत भारी होता है, है? और गाय हल्की होती है? अरे आप देखो ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा? दोस्तों ये जो पिरामिड बनवत है ना, ये पिरामिड में भाई लोग शुष्क भार लिया जाता है और ड्राई वेट लिया जाता है। जी ड्राई वेट, इसमें क्या लिया जाता है? इसमें ड्राई वेट लिया जाता है, इसमें शुष्क भार लिया जाता है। तो आप लोगों को क्या देखना है दोस्तों, इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का शुष्क भार लेते हैं। शुष्क भार मतलब अगर वो जीव मर जाएगा उसके अंदर का पूरा पानी निकल जाएगा तो उसके अंदर जो भार बचेगा उसको शुष्क भार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो
किशमिश देखिए, किशमिश काजू की बहन, काजू किशमिश वो वाली किशमिश। तो दोस्तों जो किशमिश होती है वो कैसे बनी है, वो अंगूर को सुखा के बनी है। तो अगर हमें अंगूर का ड्राई वेट लेना है ना, तो किशमिश का वेट लेंगे हम। अगर हम किसी अंगूर को सुखा के उसका वेट करेंगे ना, तो किशमिश जैसा बन जाएगा। तो किशमिश का वेट ही अंगूर का ड्राई वेट है। वैसे ही जब हम लोग क्या बनाते हैं, वैसे ही दोस्तों जब हम लोग बायोमास पिरामिड बनाते हैं ना, तो हम लोग ड्राई वेट पे फोकस करते हैं, तब हम लोग ड्राई वेट लेते हैं। कैसे, देखो इधर दोस्तों, बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पोषण स्तर में मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। अब दोस्तों चलो एक बार बायोमास पिरामिड बना के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक घास स्थल, एक नॉर्मली घास स्थल मतलब जैसे हम लोग जहां पे जी रहे हैं, एक नॉर्मली ग्रासलैंड में, एक स्थलीय पारितंत्र में बायोमास पिरामिड बनाने की। और ये बात याद रखना कि हमें ड्राई वेट लेना है, हमें शुष्क भार लेना है। तो दोस्तों उत्पादकों में कौन आते हैं, उत्पादकों में आते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। अब आपको क्या देखना है, अब आप लोगों को देखना है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, जो घास है, क्या इनका वजन ज्यादा होगा? जी हाँ, अगर आप किसी पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र की बात कर रहे हो ना, तो जो उत्पादक हैं उनका वजन ज्यादा होगा। दोस्तों घास सूखने के बाद भी भूसा बन जाती है, हैव यू एवर सीन भूसा? या फिर सबके सब अंग्रेज हो, फॉरेन से आए हो अभी? नहीं ना, भूसा देखा है ना। तो जो घास है वो सूखने के बाद भूसा बनती है भाई, उसका भी अच्छा खासा वजन होता है, उसका ड्राई वेट होता है, उसका भी एक ड्राई वेट होता है। तो अगर आप एक पारिस्थितिकीय तंत्र में जो उत्पादक है घास, हरे पौधे, उनका वेट देखोगे ना, तो उनका ड्राई वेट उनको खाने वाले उत्पादकों की संख्या से ज्यादा ही होगा। क्या होगा भाई? प्रोड्यूसर का वेट ज्यादा ही होगा। उनको खाने वाले शाकाहारी जीव, हिरण, खरगोश, गाय, भैंस, ये क्या है दोस्तों, उनको खाने वाले शाकाहारी जीवों का ड्राई वेट उससे थोड़ा सा कम होगा, उनको खाने वाले शाकाहारी जीवों का ड्राई वेट कम होगा। उसके बाद दोस्तों उसको खाने वाले और मांसाहारी जीव जैसे लोमड़ी, उसका ड्राई वेट और कम होगा। क्यों? उसको खाने वाले शाकाहारी जीव जैसे लोमड़ी, उसका ड्राई वेट और कम होगा। ऐसा क्यों मैडम, लोमड़ी तो भारी होती है? अरे मेरे भाई, ड्राई वेट ले रहे हैं, लोमड़ी मर जाएगी, तुम उसको धूप में सुखाओगे, ड्राई वेट कम आएगा। और सबसे ऊपर बब्बर, शेर, बाघ, टाइगर, लायन, चीता, जब हम इन टॉप कार्निवोरस की बात करेंगे ना, गिद्ध, तो इनमें हम क्या देखोगे, इनका वेट और कम आएगा। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड होगा वो कैसा होगा, सीधा की उल्टा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, बायोमास का पिरामिड कैसा होगा? घास स्थल में सीधा, घास स्थल में सीधा। लेकिन सवाल उठता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी क्या ये सीधा होगा? तो इसका जवाब है नहीं दोस्तों। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वह सीधा नहीं होगा। क्यों दोस्तों? एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वो सीधा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो कौन है? आपको मालूम है प्लैंकटन है, पहले फाइटोप्लैंकटन आएंगे, पहले पादप प्लवक होते हैं, उनको खाने वाले जंतु प्लवक होते हैं। किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में, महासागर में क्या होते हैं, पहले पादप प्लवक होते हैं, उनको खाने वाले कौन होते हैं, उनको खाने वाले जंतु प्लवक होते हैं। उसके बाद दोस्तों जंतु प्लवक को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछलियां खाती है। तो जो उत्पादक है उनका ड्राई वेट कम होगा, उनका ड्राई वेट कम होगा। क्यों दोस्तों? प्लवक में
पूरा पानी तो भरा हुआ था। जब पूरा पानी निकाल देंगे तो उनके अंदर बचेगा क्या? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तो इसीलिए उनका जो ड्राई वेट है ना वो बहुत कम होगा। उसके बाद पादप प्लवक का ड्राई वेट कम, जंतु प्लवक का ड्राई वेट उनसे थोड़ा सा ज्यादा, छोटी मछलियों का ड्राई वेट उन प्लवकों से थोड़ा सा ज्यादा और बड़ी मछलियों का ड्राई वेट उनसे थोड़ा सा ज्यादा। तो यहां पे उत्पादक से उपभोक्ता के स्तर में जो वेट है वो बढ़ रहा है ना, यहां पर उत्पादक से उपभोक्ता के स्तर में जो ड्राई वेट है वो बढ़ रहा है ना, तो पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। आप इधर मेरी बात सुनो, जो मेरे प्लस क्लास के लर्नर्स हैं उनने तो बनाया ही है, बाकी सब भी यहां पर एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घास स्थल में, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में, यहां लिखेंगे संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड या जैव भार बोलते हैं इसको, और ऊर्जा पिरामिड। अब बताओ, घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा बना था? सीधा। और जलीय पिरामिड कैसा बना था? वो भी सीधा। घास स्थल में बायोमास पिरामिड कैसा बना था? सीधा। और जलीय में कैसा बना? उल्टा। जलीय में कैसा बना? उल्टा। और ऊर्जा पिरामिड, दोस्तों ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अभी बता रही हूं। ऊर्जा पिरामिड तो हमेशा ही सीधा बनता है। कैसे? इधर देखो, इधर देखो दोस्तों, क्या होता है? अब आप जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की बात करो या फिर आप स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की बात करो, हमेशा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाते हैं, जब उत्पादक से उपभोक्ता स्तर में जाते हैं, तो ऊर्जा का लेवल हमेशा कम होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। जैसे उत्पादक हैं हरे पौधे, स्वपोषी, उनमें 100% ऊर्जा आई, उन्होंने सूर्य की रोशनी से ऊर्जा ली, 100% ऊर्जा मिली। उसका 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 का 10% जो हुआ वो क्या हुआ? वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिला, वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिला। इसके साथ दोस्तों जो मांसाहारी हैं उनको इसका 10% मिला। 10 का 10% मतलब 1%। क्या हुआ? सब बिंदास कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड। 1 का 10% मतलब 0.1%, 0.1%। दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होगी। एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज सीधा, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज सीधा। मैम संख्या पिरामिड ए बायोटिक में उल्टा होगा ना? ए बायोटिक क्या होता है लक्ष्मी? ए बायोटिक में उल्टा नहीं होगा, ए बायोटिक में उल्टा नहीं होगा। किसमें उल्टा होगा? संख्या पिरामिड किसमें उल्टा होगा? अपरद खाद्य श्रृंखला में। संख्या पिरामिड किसमें उल्टा होगा? केवल और केवल एक पेड़ वाले में। जब हम एक पेड़ की बात करेंगे ना उसमें, जब हम एक पेड़ की बात करेंगे ना उसमें, सिंगल ट्री वाला। चलो, सो गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। हमने इकोसिस्टम का पहला कार्य पढ़ लिया है और वो क्या है? एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। अब हम लोगों को दूसरा पढ़ना है और दूसरा कार्य क्या है दोस्तों? दूसरा कार्य है जैव भू रासायनिक चक्र। और फिर तीसरा पिरामिड क्या होता है?
दोस्तों तीसरा पिरामिड होता है, सॉरी तीसरा कार्य होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन।